हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इस कार के खासियत के बारे में। लोगों के बीच एक इलेक्ट्रिक कार को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। ये कार ईवी सेगमेंट में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। कोई इसके डिजाइन के बारे में बात कर रहा है तो कोई इसके फीचर्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ जिस कार के बारे में बात हो रही है वह कोई और नहीं बल्कि कैंप इलेक्ट्रिक कार है। दुनिया का ईवी मार्केट लगातार बड़ा होता जा रहा है। देश दुनिया की तमाम कंपनियां अपनी अपनी कार पेश कर रही है। कैंप इलेक्ट्रिक कार शहरों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। शहरों में रहने वाली छोटी फैमिली के लिए ये टू सीटर कार एक शानदार ऑप्शन हो सकता है, जिसे आप भीड़ भाड़ वाले शहरों में बेफिक्र होकर दौड़ा सकते हैं। इस ईवी कार को ट्रैफिक में आगे निकलने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसे पार्किंग के लिए बाकी गाड़ियों जितनी जगह की ज़रूरत है। इस ईवी कार का डिज़ाइन ही इसे यूनिक और बाकी गाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाता है। गाड़ी का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। आगे की तरफ सफ़ेद LED लाइट्स बार है तो पीछे की तरफ लाल LED लाइट्स बार हैं। लाइट्स बार के नीचे गाड़ी की हेडलाइट और पीछे की तरफ ऐसे ही टेल लाइट हैं। छोटे पहिए होने के बावजूद ये गाड़ी शहरों के छोटे मोटे गड्ढों को बड़े आराम से पार कर लेती है। इस कार में 50 किलोवाट AC मोटर लगा हुआ है जो 100 PS का पावर जनरेट कर सकता है और इसमें 30 किलोवाट आवर वाली लीड एसिड बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे एक बार फुल चार्ज करने पर 130 किलोमीटर की रेंज देती है और इसकी बैटरी को चार्ज होने में लगभग 6 घंटे का समय लग जाता है। इसका अधिकतम स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस कार की लंबाई 2390 मिलीमीटर, चौड़ाई 1200 मिलीमीटर और ऊंचाई 1700 मिलीमीटर है और व्हील बेस 2000 मिलीमीटर का मिल जाता है। इस इलेक्ट्रिक कार का वजन 1000 किलोग्राम का है। कैंप मिनी इलेक्ट्रिक कार की कीमत सिर्फ 3 लाख रुपये है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video.